अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन देखे थे कि कोई भी किसी भी किस्म की इनइक्वालिटीज हो, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, रेशनल हो, इसी तरह पॉलिनोमियल में हमने हायर डिग्री भी देख ली थी, इसी तरह एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, रेडिकल, सब इनइक्वालिटीज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसी तरह एब्सोल्यूट थी कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि अगर आपको इनइक्वालिटीज को ग्राफ करना है तो ग्राफ किस तरीके से आप करोगे। अब देखो, इनइक्वालिटीज जो है ना, इनकी दो कैटेगरीज होती हैं जो नॉर्मली, एक तो आती है जो मैंने आप लोगों को करवाई है और एक थोड़ी मुश्किल कैटेगरी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया तो आपने देखा था उसमें एक वेरिएबल होता था, एक्स की फॉर्म में आपकी इनइक्वालिटी होती थी। तो जब एक वेरिएबल होता है ना, तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किसी नंबर लाइन के ऊपर होते हैं। जैसे आप एक्स की वैल्यूज निकालते थे तो उनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया करते थे। अगर उस इनइक्वालिटी में दो वेरिएबल आ जाए तो अब जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक्स और वाई वैल्यू, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो आप लोग अभी देखोगे भी। तो जब ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट आप किस तरीके से करते हो, ग्राफिंग यूज, उस इनइक्वालिटी को ग्राफ करते हो और जो जो ऑर्डर्ड पेयर उस सॉल्यूशन के अंदर होते हैं आप उनको शेड कर रहे होते हो, कि एक रीजन को शेड कर देते हो, उस रीजन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल मतलब ऑर्डर्ड पेयर उसका सॉल्यूशन होता है। आप लोगों ने सॉल्व किया एक वेरिएबल के अंदर तो वहां पे सिर्फ एक्स के आंसर होते थे जो आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया करते थे। तो एक मेजर फर्क तो आपको ये नजर आएगा। यही आपको लीनियर के अंदर भी दो वेरिएबल मिल सकते हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर भी दो मिल सकते हैं, रैशनल के अंदर भी, एब्सोल्यूट के अंदर भी, जो भी उनके अंदर आपको मिल सकते हैं। तो मेनली जो ग्राफिंग आपके पास आती है वो अच्छा, लीनियर के अंदर भी आमतौर पर लोग ग्राफ कर दिया करते थे ड्रॉ। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी एग्जांपल दूंगा जिसमें वेरिएबल एक है उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे बल्कि उसको हम शेड कर रहे होंगे, तो वो भी मैं थोड़ा आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये कि ज्यादातर जो ग्राफिंग आती है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक की आ रही होती है, लेकिन मैं बाकी का भी थोड़ा आप लोगों को आइडिया दे दूंगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेनली हमारा आज के लेक्चर या इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें टॉपिक जो है वो ग्राफिंग है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करता हूं, आप लोग अभी तक सॉल्व करते हुए आ चुके हो लीनियर इनइक्वालिटीज को एक वेरिएबल के अंदर, तो जरा हम उसको जरा देखते हैं एक दूसरे एंगल से भी, आप बात समझ सकते हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो हमने ग्राफ करना है ना वो इनइक्वालिटी है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। शुरू में जो हम इनइक्वालिटीज, अब लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफ करना हम सीख रहे हैं, तो लीनियर में सबसे पहले मैं आप लोगों को, लीनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन होगी उससे रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज होंगी, तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक बन रही होगी, एक वर्टिकल लाइन बन रही होगी। देखो, जब कोई एक लाइन आप बनाते हो जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, तो वो एक जो पूरा प्लेन है ना जिसको आप कार्टेशियन प्लेन कहते हो, उसको वो दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक आप बोलोगे यार उसके अबव जो हिस्सा है, एक उसके बिलो हिस्सा है, तो या तो सॉल्यूशन अबव होगा या सॉल्यूशन बिलो होगा। अगर ग्रेटर देन तो अबव, अगर वाई इज ग्रेटर देन है तो अबव सॉल्यूशन होगा, वाई इज लेस देन तो नीचे सॉल्यूशन होगा। अगर आपका जो लाइन है वो वर्टिकल है तो अब राइट लेफ्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल, एक आपने एक लाइन बनाई है x इक्वल टू कुछ भी एक कांस्टेंट आ रहा होगा, वर्टिकल लाइन होगी, तो अगर x इज ग्रेटर देन तो आप लाइन के राइट वाले हिस्से को शेड कर दोगे, x इज लेस देन तो लाइन के लेफ्ट वाले हिस्से को आप शेड कर दोगे। और तीसरी कैटेगरी है कि आपके पास कोई भी ऑब्लिक लाइन है, ऑब्लिक लाइन का मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल ना हो जो वर्टिकल ना हो, तो उसमें फिर आप वही रीजन शेड कर रहे होते हो, वही अबव बिलो का कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे होते हैं वहां पे। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले अगर आप इस इनइक्वालिटी को देखो तो इसको तो आप लोग बहुत दफा सॉल्व करते हुए आए हो, अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी का उसमें इस किस्म की आपके पास बहुत सी इनइक्वालिटीज आती थी, उसका सॉल्यूशन आप क्या करते थे। अगर यही वाला कॉन्सेप्ट आप लोग जो पहले कर चुके हो उसके मुताबिक इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए था, इसका सॉल्यूशन आना चाहिए था 1 से लेकर इन्फिनिटी, जिसको आप ड्रॉ करते थे नंबर लाइन के ऊपर इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 1 है और 1 इसमें इंक्लूड है तो आप इस तरह करते थे। लेकिन अब आप देखोगे कि इसका ग्राफ मैं डिफरेंट तरीके से बना रहा हूं। पहले हम नंबर लाइन पे करते थे इसको सॉल्व, अब हम एक ग्राफ पे कर रहे होते हैं। इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं कि ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो और उस चीज का मतलब कैसे ले रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर ये चीज लिखी हो कि x इज इक्वल टू 1, तो इसके मैं दो मतलब ले सकता हूं। मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि यार ये किसी पॉइंट की x वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हो तो आपके पास x की वैल्यू आती है ना इस तरह, तो वहां पे आप क्या कंसिडर कर रहे हो, तो इसको एक बेसिकली पॉइंट कंसिडर कर रहे होते हो कि यार ये x वैल्यू है, फिर y वैल्यू आएगी, वो एक पॉइंट है। तो एक मतलब तो उसका ये हो सकता है कि x वैल्यू किसी पॉइंट की।
दूसरा मतलब आप ये भी ले सकते हो कि ये एक वर्टिकल लाइन है इस तरीके से जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के, वन यूनिट पे कट कर रही है उसको, मतलब x एक्सिस को वन यूनिट पे कर रही है, इस टाइप की लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू वन। तो कहने का मतलब ये एक लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन उस लाइन में भी कॉमन बात क्या होगी, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे सबकी x वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो आप इसको एज अ पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो, एज अ लाइन भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को आप इनइक्वालिटी पर उठा के ले आओ कि जो आपके पास सॉल्यूशन आते थे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया करते थे कि अगर आप यहाँ पे जितने भी पॉइंट देखो इनकी वैल्यू जो है वो x की जो वैल्यू आती है सब पॉइंट की, जो भी पॉइंट आप पिक कर लो इस रीजन में उसकी x वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। इसी चीज को आप लाइन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे, जैसे एक तो पॉइंट वाला फॉर्म था ना कि आपके पास एक पॉइंट वाली मैंने बताया कि एक्सप्लेनेशन है, एक अगर लाइन वाली तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, मतलब ग्राफ कर सकते हो कैसे, कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास वन वैल्यू है और ये आपके पास उस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू वन, ये उसकी इक्वेशन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अब अगर आपको बोला जाए कि ऐसी x वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो, तो अगर आप इसको लाइन की कॉन्सेप्ट में लेके जा रहे हो तो अब इसका सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन वन हो। तो अगर आप इस रीजन में आओ, ये पूरा रीजन जो है, इस रीजन में आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को उठाओ उसकी x वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होगी, या तो वन की इक्वल भी एक्सेप्टेबल। याद रखना जब आपकी इनइक्वालिटी में, मतलब जो आपकी इनइक्वालिटी है उसमें इक्वल का साइन आ जाए तो जो आप लाइन या जो भी कर्व आप बनाते हो वो सॉलिड बनाते हो, और अगर यहाँ पे इक्वालिटी ना होती ना तो मैं इसको डैश डैश लाइन बनाता, वो इंशाल्लाह अभी आगे आएगा तो हम देख लेंगे इसको। तो अब अगर आप सॉल्यूशन देखो तो इसका एक मतलब ये भी है, x इज ग्रेटर देन का मतलब एक आपने नंबर लाइन पे लिया था वो भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि यार किसी इनइक्वालिटी को आप कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करो, तो ड्रॉ किस तरीके से होगी कि ये वो पूरा रीजन है, इस रीजन में अगर आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओगे तो उसकी जो एक्स वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू वन होगी। इस तरीके से आप ग्राफ कर रहे होते हो इस वाली इनइक्वालिटी को। तो दोनों एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दी। इसी तरीके से ये तो आपने एक वर्टिकल लाइन देखी है, अब एक हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई इज लेस देन फोर आपको बोला जा रहा है। अब देखो इसको एक ड्रॉ करने का तरीका है कि जो y एक्सिस है उस पर आप ड्रॉ कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये y एक्सिस है, इसको भी नंबर लाइन कहोगे ना, ये भी रियल नंबर लाइन है। तो फॉर एग्जाम्पल y जो है 4 यहाँ पे है, 4 से लेस का मतलब ओपन डॉट होगा यहाँ पे, ये अगर आप जस्ट नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाह रहे हो। और दूसरा तरीका क्या है, आप वो सब पॉइंट ढूंढो जिसमें y की वैल्यू लेस देन 4 है, मतलब अगर आपको बोला जाए कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ करो, तो फिर ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा कि आप सबसे पहले एक लाइन मालूम करोगे जिसकी इक्वेशन क्या हो, y इज इक्वल टू 4, एक लाइन ड्रॉ करो, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, y इज इक्वल टू 4 लाइन कौन सी होती है जो 4 पे कट कर रही होती है, ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 4। अब सबसे पहली बात आपकी इनइक्वालिटी में ना जस्ट लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब आप लाइन को डैश करोगे, ये कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपकी इक्वालिटी है तो लाइन आपकी सॉलिड बनती है, जब इक्वालिटी नहीं है तो डैश वाली आप लाइन बनाते हो। उसके बाद रीजन क्या कह रहे हैं, वाई इज लेस देन 4, ऐसे मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनकी y वैल्यू लेस देन 4 है। हम कार्टेशियन प्लेन पे अगर आपको बोला जाए तो उसका मतलब ये बनेगा कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिनमें y की वैल्यू लेस देन 4 हो वो इसका सॉल्यूशन है। तो अगर आप इस रीजन में कहीं भी चले जाओ, इस रीजन में आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर उठाओ उसकी y की वैल्यू हमेशा लेस देन 4 होगी। तो आपने शेड करना है तो लाइन के नीचे सारा रीजन जो है वो शेड हो जाएगा, और लाइन आपकी इनफाइनाइट होती है, वो रुकी भी नहीं है। नॉर्मली हम एरो यहाँ पे लगाते हैं, ये कोई रे नहीं है, ये दोनों तरफ से लाइन आपकी बढ़ती है। तो इसको बढ़ाओ, ये सारा रीजन इस लाइन के नीचे कहीं भी वो इसका सॉल्यूशन होगा। आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओगे आप उसमें देखोगे y की वैल्यू लेस देन 4 आ रही है। तो बच्चों ये जो सेम कॉन्सेप्ट आपने लीनियर इनइक्वालिटी में देखा था कि आप इसके सॉल्यूशन इंटरवल रोटेशन में लिखते थे इस तरीके से और नंबर लाइन पे बनाते थे, उसको अगर आपको बोला जाए कार्टेशियन प्लेन पे, तो कार्टेशियन प्लेन पे उसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि यहाँ वो सारा रीजन है जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। एज आप पूरे ऑर्डर्ड पेयर्स को कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कंसीडर कर लिया करते थे आप, ये डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है जो आप इसकी दे रहे होते हो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं और ऑब्लिक लाइंस पे आते हैं। ऑब्लिक लाइंस क्या होंगी, जो ना वर्टिकल हो ना हॉरिजॉन्टल हो, और उनको आपने किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है, इसको हम जरा देख लेते हैं। ये है -2, ये चीज है, इसको अगर आपने ड्रॉ करना है। अब अगेन देखो वही बात है एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन का फर्क है, अगर आप इंटरवल नोटेशन में इसको लिखते हो तो आप इस तरह लिखते हैं कि -2 से लेके
थ्री के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब इस इंटरवल के अंदर आती हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप इसको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करो और इसके सॉल्यूशन में ऑर्डर्ड पेयर्स हमें बताओ कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनमें एक्स की वैल्यू माइनस टू और थ्री के दरमियान है। अब कॉन्टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया, ये अलग कॉन्सेप्ट, ये अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये अलग कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं आपसे मांग कुछ और रहा हूं, अब मैं आपसे वैल्यूज नहीं मांग रहा कि वो एक्स की वैल्यूज जो इसे कम हो, मैं आपसे मांग रहा हूं वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो जिनकी एक्स वैल्यूज है वो इस रीजन के अंदर है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप सबसे पहली बात कि जब आपकी इनइक्वालिटी में एक्स आ रहा है ना तो आप उसको वर्टिकली ड्रॉ करते हो, अगर वाई आता है तो आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आप वो रीजन ढूंढो जहां पे माइनस टू, मतलब आप इक्वेशन बनाओ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक इक्वेशन ड्रॉ करो एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो माइनस टू कंसिडर कर लो, यहां पे आ गया, ये हम एक्स कह देते हैं, ये वाई एक्सिस है, तो माइनस टू के यहां पे होगा। तो एक लाइन तो आपकी इस तरह बन गई, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और एक हम बनाते हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री, कंसिडर कर लो थ्री यहां पे आ रहा है, तो एक लाइन आपकी यहां पे बन गई एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब आप देखो क्या ये दोनों लाइन इस सॉल्यूशन के अंदर शामिल है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू शामिल नहीं है क्योंकि यहां पे इक्वालिटी गिवन नहीं है। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनकी एक्स वैल्यू क्या होगी? माइनस टू होगी, और माइनस टू इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहां पे डैश कर दोगे। डैश करने का मकसद ही ये है कि भाई इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन नहीं है, ये डैश करने का मकसद होता है ना। जैसे पॉइंट की फॉर्म में फिल्ड, जब उसको डॉट को जब आप फिल कर देते हो पूरा, एक्चुअल वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, पर डॉट को अगर जब हम फिल करते हैं ना तो उसका मतलब वो शामिल है, और जब ओपन रखते हैं तो शामिल नहीं है। तो लाइन की फॉर्म में आप क्या करते हो, अगर लाइन को आप सॉलिड बना रहे हो इसका मतलब उसके ऊपर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अगर डैश बना रहे हो इसका मतलब उसके ऊपर जो ऑर्डर्ड पेयर है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, हाँ जो शेडेड रीजन है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एक्स वैल्यूज है, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनके एक्स वैल्यू माइनस टू और थ्री के दरमियान हो, वो ये सारे इस रीजन के अंदर आएंगे, ये वो रीजन है, ठीक है। अच्छा, इक्वालिटी शामिल है, दैट्स व्हाई सॉलिड बनेंगे यहाँ पे। तो ये जो पूरा रीजन है ना, इस रीजन के अंदर आप कोई भी ऑर्डर पे, और ये रीजन यहां पे खत्म नहीं हो रहा, आप इस लाइन को नीचे बनाओगे ऑब्वियसली लाइन नीचे भी जा रही है, लाइन ऊपर भी जा रही है, तो दरमियान का सारा रीजन जो है इसमें आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो, आप उसमें ऑब्जर्व करोगे उसकी एक्स वैल्यू माइनस टू और थ्री के दरमियान होगी, थ्री के इक्वल भी हो सकती है, माइनस टू के इक्वल नहीं होगी, इनके दरमियान ही आपको सारे ऑर्डर पेयर में एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो अगर ये चीज आए उसको आप इस तरीके से ड्रॉ करते होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो ऑब्लिक लाइन होती है उनको आप कैसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले यहां पे एक लाइन है, चौथी एग्जांपल है, 2x माइनस 5y इज ग्रेटर देन 10। सबसे पहले आप रूल समझ लो कि आपने कोई भी, अगर आपके पास इक्वेशन आ रही है दो वेरिएबल है तो आपने अपनी आसानी के लिए किस तरह उसको ड्रॉ करना है। दो तरीके होते हैं, एक दो तरीका मैं पहले एक इजी वाला बता देता हूं, या जो भी आप लोग इजी लगे, जो मुझे बेहतर प्रेफर करता हूं मैं वो बता देता हूं आपको। वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को ना नॉर्मली इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कहने का मतलब y की एक तरफ आइसोलेट कर दो। किस तरीके से? कि आप सबसे पहले माइनस फाइव को उधर ले जाते हैं, टेन को उधर ले आओ, ठीक है, आप फाइव को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा टू अपॉन फाइव एक्स, ये हो जाएगा टू। जब फाइव को डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी के दोनों तरफ तो 10 अपॉन 5 क्या होता है 2 के बराबर होता है, यहाँ पे y बच जाएगा, और y की फॉर्म में आपने लिखना होता है तो y को ले आओ लेस देन 2 अपॉन 5x माइनस 2। ये जो इनइक्वालिटी है ना इसको आपने कंसीडर करना है। अब आप क्या करोगे, इसको ड्रॉ करना काफी इजी होगा। अच्छा, लाइन को ड्रॉ करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो जनरल तरीका जो किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए आप यूज करते हो कि भाई कुछ एक्स वैल्यूज पुट करो, कुछ वाई वैल्यूज आएंगी, जो पॉइंट्स आपके पास आए हैं उनको आप ड्रॉ करो, उनको ज्वाइन कर दो, बन गया। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट इजी होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपको जस्ट दो पॉइंट पता होने चाहिए, आप आसानी से ड्रॉ कर दोगे, या एक पॉइंट या स्लोप पता चल जाए आप ड्रॉ कर दोगे, तो वही कॉन्सेप्ट है। या तो उसको ड्रॉ, या एक और तरीका भी होता है कि मतलब दो पॉइंट पता चल जाए ना तो आप क्या नॉर्मली यूज करते हो स्ट्रेट लाइन में, एक तो कभी इंटरसेप्ट निकाल लेते हो, एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे मतलब एक्स इंटरसेप्ट आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया, लाइन को ज्वाइन कर दोगे, लाइन बन गई। या दूसरा तरीका यह कि आप उसमें से वाई इंटरसेप्ट निकालो, y इंटरसेप्ट से एक पॉइंट आ गया, और स्लोप के जरिए से आप दूसरा पॉइंट निकाल के उस लाइन को ड्रॉ कर दोगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो जरा हम ड्रॉ करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे जो आपकी लाइन है उसमें y इंटरसेप्ट माइनस टू है, ये एक्जेक्टली आप इसको ड्रॉ करते हुए कंसिडर करो ये वाली फॉर्म है, मतलब वाई इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव एक्स माइनस टू। तो इसमें y इंटरसेप्ट क्या माइनस टू, y इंटरसेप्ट यहाँ पे होगा,
कंसिडर कर लो ये माइनस टू है, इसको माइनस टू कंसिडर कर लेते हैं, एक पॉइंट तो आपको मिल गया। अब दूसरा पॉइंट निकालना है तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। किस तरह निकालोगे आप, स्लोप को देखो, स्लोप बेसिकली क्या होता है, राइज अपॉन रन, ये अभी हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को बताऊंगा कि पूरी चीज स्लोप होती है। न्यूमरेटर इसका मतलब इतना आपने ऊपर जाना है, तो आप यहाँ पे थे ना, न्यूमरेटर आपको क्या बता रहा है, ये 2 अपॉन 5 जो स्लोप है, न्यूमरेटर कह रहा है कि आपने 2 यूनिट ऊपर जाना है, तो मैं माइनस 2 पे हूं, अगर मैं इसे 2 यूनिट ऊपर जाऊंगा तो मैं ओरिजिन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्लोप कह रहा है कि मैंने 5 यूनिट राइट पे जाना है। देखो अगर स्लोप के साथ नेगेटिव आ रहा है तो आप नीचे जाते हैं, स्लोप के साथ पॉजिटिव आ रहा है ना तो आप ऊपर जाओगे, और राइट पे कितना जाना है आपको, 5 यूनिट जाना है, तो 5 यूनिट चले जाओ, कंसिडर कर लो ये 2 है, ये 4 है और 5 ही यहाँ पे होगा। तो आपने क्या किया, आपने y इंटरसेप्ट को ड्रॉ किया, y इंटरसेप्ट को ड्रॉ करने के बाद 2 यूनिट ऊपर गए, 5 यूनिट आप इधर गए, स्केलिंग जो है इसकी मैंने 2 यूनिट की स्केलिंग की हुई है कि ये भी 2 है, ये 4 हो जाएगा और फिर ये 5 हो जाएगा, तो स्केलिंग आपकी मर्जी है, बस आपको एक मेन आइडिया बताना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, आप इसको ड्रॉ कर दो, तो ये बच्चों आपकी लाइन आ गई। जैसे आपने लाइन ड्रॉ कर ली, अब आपके लिए इतना इशू नहीं है, अब आपको सॉल्यूशन रीजन लिखना है। अच्छा, वही जैसे मैंने बताया कि ये जो इनइक्वालिटी होती है 2 वेरिएबल के अंदर, इसमें x भी आ रहा है y भी आ रहा है, तो इसके सॉल्यूशन होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स x और y वैल्यूज। तो मतलब आपको ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो जब आप यहां पे पुट करो उनकी y वैल्यू जो है वो लेस हो इस पूरी चीज से, मतलब यहां पे आपने x पुट किया तो यहां पे जो आ रहा है वो लेस हो एज कंपेयर टू जो राइट हैंड साइड पे आ रहा है। तो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आपको कैसे मिलेंगे, जब आपने लाइन ड्रॉ कर ली, अब आप देखो कि y जो है वो लेस है, अगर लेस वाली इनइक्वालिटी है तो नीचे वाला रीजन शेड करोगे, अगर ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी है तो आप ऊपर वाला रीजन शेयर करोगे। सिंपल ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, इक्वालिटी नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब आपको लाइन डॉटेड बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो है वो हमारे सॉल्यूशन नहीं है, तो ये मैंने इसको डॉट कर दिया। उसके बाद y इज लेस देन है, तो इसका मतलब मुझे नीचे वाला रीजन शेड करना होगा, तो इस पूरे रीजन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और अगर आपने मजीद तसल्ली करनी है कि यार वाकई मैंने सही किया है, तो आप कोई पॉइंट पुट करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको देखने में लग रहा है कि y वैल्यू -4 है और कंसीडर कर लो ये 5 थी ना, तो कंसीडर कर लो -4 5 के यहाँ पे होगा, ये जो पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट होंगे -4, 5, तो ये हमारे सॉल्यूशन के रीजन में आ रहा है ना, तो जरा पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा होगा। x y की वैल्यू क्या है 5, तो 5 पुट कर दिया, x वैल्यू है -4, यहाँ पे आप x की जगह -4 पुट करो, ये हो जाएगा -8/5, -8/5 -2, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, इस पूरी चीज का आंसर नेगेटिव होगा, और आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, वही कह रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए यार उल्टा लिखा है, यहाँ पे x वैल्यू 5 है, y वैल्यू -4 है ना, तो उल्टा कर दिया था मैंने। तो ये कॉन्सेप्ट होगा कि y वैल्यू यहाँ पे -4 है, लेस देन आप x की जगह पे यहाँ पे 5 पुट करो, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 माइनस 2 क्या होता है 0, तो डेफिनेटली -4 इज लेस देन 0, -4 0 से कम होता है। इसी तरह आप अपनी मर्जी से इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट लेना चाह रहे हो आप पुट करके देख लो, आप ऑब्जर्व करो कि आपकी इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू होगी। तो एक तरीका इसको ड्रॉ करने का ये होता है कि वाई की फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, लाइन को ड्रॉ किया, और लेस है तो नीचे वाला रीजन शेड कर दो, अगर ग्रेटर है तो ऊपर वाला शेड कर दो। एक तरीका ये होता है कि आप इसको सॉल्व ना करो, आप इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालो, मतलब इसको इक्वेशन ट्रीट करो, ये इक्वेशन ट्रीट हो गई, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ये काम आप स्ट्रेट लाइन के अंदर कर सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक के अंदर फिर आप ये करते हो, वाई को एक तरफ कर रहे होते हो, तो कहने का मतलब ये वाला स्टैंडर्ड तरीका होता है, दैट्स व्हाई मैं प्रेफर कर रहा था, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन कर सकते हो कि आप इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करो, सॉरी मतलब आपने इसको इक्वेशन, हम कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी आप ड्रॉ करते हो ना, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालो। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब कि आप इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल का साइन लगाओ, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये वाली है, या ये वाली भी आप कह सकते हो। अच्छा जी, तो आप क्या करो, यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट निकालो, जहां से आप x इंटरसेप्ट निकालोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, और y इंटरसेप्ट निकालोगे तो -2 आ जाएगा, एग्जैक्टली वही पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे भी। y इंटरसेप्ट -2 है और x इंटरसेप्ट 5 है, आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे आप जैसे लिखा ना 2x - 5 is greater than 10, अब यहां से आप जज नहीं कर पाओगे कि अगर ग्रेटर है तो मैं ऊपर शेड करूंगा, लेस है तो नीचे शेड करूंगा, वो उसी वक्त जज कर सकते हो जब y की फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया। तो y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब आप बोल सकते हो कि यार अगर लेस है तो नीचे वाला रीजन, ग्रेटर है तो ऊपर वाला रीजन। यहां पे आपने y की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो वो रूल नहीं लगाना, क्योंकि उसको रूल के तहत तो ग्रेटर है मतलब ऊपर शेड होना चाहिए, तो वो रूल आप नहीं लगाना। तो जब आप लाइन को ड्रॉ कर लो ना, और आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं किया, आपने इसी फॉर्म में बस ड्रॉ कर दिए,
अब आप सॉल्यूशन कैसे मालूम करोगे ऊपर है या नीचे, आप जस्ट ओरिजिन पुट करके देख लो। जब आपने लाइन ड्रॉ की है तो आपको पता ओरिजिन यहां पे है, अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ओरिजिन लाइन के ऊपर है ना, तो ऊपर वाला सारा रीजन सॉल्यूशन है इसका। भाई देखो जब आप शेड करते हो तो सब ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन होते हैं ना, तो अगर यहाँ पे ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब ओरिजिन इसका सॉल्यूशन है, और ओरिजिन सॉल्यूशन का मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है इंक्लूडिंग ओरिजिन वो सब इसके सॉल्यूशन है। तो आप लाइन को ड्रॉ करने के बाद क्या करना, ओरिजिन पुट करके देख लेना। तो यहाँ पे जब मैं एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा, वाई की जगह भी जीरो पुट करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो टेन से ग्रेटर हो, इसका मतलब ओरिजिन इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओरिजिन इसका सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब इस लाइन के अबव इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करोगे इसको बिलो शेड कर दोगे। तो ये काम करोगे कि जस्ट आपने ड्रॉ किया बाय यूजिंग इंटरसेप्ट वाली टेक्निक, उसके बाद आप ओरिजिन पुट करके देखो, अगर ओरिजिन इसका सॉल्यूशन है तो जिस रीजन में ओरिजिन आ रहा है, क्योंकि दो ही रीजन होंगे या तो अबव या बिलो, तो जिस रीजन में ओरिजिन आ रहा होगा उसको शेड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपल मेथड है जिससे आप इनइक्वालिटीज को ड्रॉ कर रहे होते हैं। मैं मेरे पास अगर कोई और एग्जांपल है तो वही मैं करवा दूं, बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसके अंदर। हाँ ऐसा मेरे पास कोई और है नहीं तो दैट्स व्हाई मैं करवा नहीं जा रहा। हाँ जो अब हम पढ़ने लगे हैं उसके अंदर भी इनइक्वालिटीज आएंगी, तो वहां पर भी आप लोग सीख लोगे। अच्छा मैंने इसकी डायग्राम मिटा दी है, तो हम कोशिश करते हैं कि डायग्राम दोबारा बना देते हैं। ये माइनस टू था, ये फाइव था, ये लाइन थी आपकी, अच्छा जी ये शेडेड था और इसके नीचे वाला रीजन जो है वो सॉल्यूशन है, माइनस टू और फाइव, ये रफ डायग्राम बन गई थी इसकी। अच्छा अभी आपने लीनियर इनइक्वालिटी को ड्रॉ कर दिया है, ये तो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक और चीज है जो यहाँ पे आ रही होती है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। आपने देखा होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन आपके पास ऐसा भी होता है कभी इनइक्वालिटीज का एक सिस्टम आ जाता है और आपको बोला जाता है कि इसका सॉल्यूशन मालूम करो। अच्छा अगर इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तीन इक्वेशंस है तीन वेरिएबल के अंदर, तो उसके उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, एक आपके पास इसको हम कहेंगे ऑर्डर ट्रिपल, ऑर्डर ट्रिपल मतलब तीन वैल्यूज है ना उसके अंदर, तो एक्स वाई जेड, तो एक पॉइंट आपके पास सॉल्यूशन आ रहा होगा उसका। या अगर कोई कोइंसिडेंट वाला सीन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे होंगे, या अगर पैरेलल वाला सीन होगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जिसमें सॉल्यूशन कोई भी नहीं आ रहा होगा, मतलब वो पैरेलल लाइंस है, या अगर थ्री डायमेंशन में आप बात करते हो एक्स वाई जेड वाली तो वो प्लेन्स बन रहे होते हैं, मतलब आपकी इक्वेशन में अगर एक्स और वाई आ रहा है उसको जब आप ड्रॉ करते हो तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, अगर एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल आ रहे हैं तो जब आप उसको और थ्री डायमेंशन में ड्रॉ करते हो तो प्लेन आपको मिल रहा होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन या प्लेन जो भी पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा, अगर इंटरसेक्टिंग है तो कोई एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा उनका, और अगर कोइंसिडेंट है तो फिर आप कह सकते हो कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करो ना तो हमेशा आपके पास जो सॉल्यूशन आते हैं वो सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे होते हैं, और वो कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, या तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा उसका, भाई कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिस पर सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इनइक्वालिटी है एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एक इनइक्वालिटी है एक्स इज लेस देन माइनस 1, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा जो बैक ऑफ इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस ऐसे नहीं आ रहे होते, वो केसेस आ रहे होते हैं कि जिनके सॉल्यूशन जो है वो आपके पास कोई नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे होते हैं। अब उसको लिखने का तरीका क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर को लिस्ट बना के कैसे आप लिखोगे, मजा नहीं आएगा ना। वो जैसे आप पॉइंट्स को नॉर्मली तो लिख देते हो कि यार एक्स फलाना 1 2 3, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, या दो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, या इनफाइनाइट आ रहे हैं, उनको भी आप इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हो ना कि ये इक्वेशन है जिसके तहत वो जो फ्री वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है पूरा वो वाला लगा के आप एटलीस्ट इक्वेशन फॉर्म तो लिख रहे होते ना। लेकिन इनइक्वालिटी को आप ग्राफ के जरिए से बता रहे होते हो कि यार इस रीजन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, तो ग्राफ के जरिए से ही आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे होते हो। अब जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, तो ग्राफिंग भी आ गई और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना भी आ गया। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, उसमें हम कंसीडर करते हैं तीन लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसमें आप सीख भी लोगे कि इनइक्वालिटीज को ड्रॉ कैसे करना है। मजीद x माइनस टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, अच्छा 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसी तरह x प्लस टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये तीन लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, आपको बोला गया है कि आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको वो ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं जो बैक वक्त इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब इनको ड्रॉ कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल तरीके, जैसे पहले आपने चीजों को ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो भी आप इंटरसेप्ट निकालोगे वो 5
2, 3, 5 के रेंज के अंदर ही है, तो उस हिसाब से हम स्केलिंग करेंगे ताकि हमारे इस डायग्राम में आ जाए। सबसे पहले अगर आप ये दूसरा वाला तरीका अप्लाई करना चाह रहे हो, ये भी कर लो, स्ट्रेट लाइन के अंदर तो कोई इशू नहीं होता। तो अगर आप देखो एक्स इंटरसेप्ट 6 आ रहा है, अगर आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालो, दरमियान में इक्वल आएगा, कर लेना खुद को, मैंने तरीका पूरा बता दिया। तो एक्स इंटरसेप्ट पहली वाली लाइन का 6 आ रहा है, तो 6 कंसीडर कर लो, हम मार्किंग करते हैं 2, 4, 6 -2, -4, -6 इसी तरह 2, 4, 6 -2, -4, -6 थोड़ी आगे पीछे हुई है स्केलिंग, सही है, हमें मेरा आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे 6 है, तो इसको आपने नोट कर लिया, y इंटरसेप्ट सॉरी x इंटरसेप्ट 6 आ रहा था, तो यहाँ पे हम मार्क कर लोगे। अगर आप इसमें y इंटरसेप्ट निकालो ना, तो y इंटरसेप्ट आ रहा होगा -3, तो -3 के दरमियान में होगा यहाँ पे, तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर दो, ये इस लाइन का x इंटरसेप्ट था, ये y इंटरसेप्ट है, आपने ड्रॉ कर दिया। इनके सॉल्यूशन में बाद में देखते हैं, मैंने डायग्राम बहुत आपकी मिक्स हो जाएगी, अभी जस्ट मैंने इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन को ड्रॉ किया, दैट्स इट, मैंने इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन अभी नहीं लिखा। अब जरा दूसरी को देखते हैं, दूसरी में आप एक्स इंटरसेप्ट निकालो तो 1 आएगा, एक्स इंटरसेप्ट 1 के यहाँ पे बनेगा, और अगर वाई इंटरसेप्ट निकालो तो 2 आएगा, वाई इंटरसेप्ट 2 यहाँ पे आएगा, तो आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को ड्रॉ कर दिया। अच्छा जी, तीसरी क्या है, उसमें अगर आप एक्स इंटरसेप्ट निकालो 10 आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, चलो कोई मसला नहीं है, ये हो गया 6 था ना, ये हो गया 8, ये हो गया 10, और अगर y इंटरसेप्ट निकालो तो y इंटरसेप्ट 5 आ रहा है, तो 5 कहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा, ठीक है, तो जरा हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये तीनों आपने ड्रॉ कर दिए। अब आपने देखना है वो कॉमन रीजन जिसमें जितने भी ऑर्डर पेयर है वो बैकवर्ड इन तीनों को सॉल्व करना है। अब कैसे पता चलेगा, अब जरा हम शेड करते हैं, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाले इनइक्वालिटी में अगर आप देखो ना, अगेन आपने वाई की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया ना, तो आप डायरेक्ट लेस देन ग्रेटर देन देन से जज नहीं कर सकते। तो पहले मैं इस इनइक्वालिटी को कंसीडर करता हूं, ये पहली वाली इनइक्वालिटी है, मैं जरा ओरिजिन पुट करता हूं, देखता हूं क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप एक्स की जगह 0 पुट करो, 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 इज लेस देन 6, बिल्कुल सही बात है, 0 6 से लेस ही होता है, इसका मतलब ओरिजिन इसका सॉल्यूशन है। और इस लाइन में ओरिजिन कहां पे आ रहा है, इस लाइन के ऊपर, इसका मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर। तो अगर आप इस लाइन की बात करो तो ये सारा इस लाइन का सॉल्यूशन है, इस लाइन के ऊपर, और इक्वालिटी इन सब में, इसका मतलब सॉलिड लाइन बनेगी सब के अंदर। दूसरी में अगर आप देखो, अगर आप ओरिजिन पुट करोगे ना, तो ओरिजिन इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 2। तो अगर आप दूसरी लाइन, कौन सी थी ये, दूसरी लाइन थी, तो इसका मतलब ओरिजिन यहाँ पे है। अगर आप इस लाइन को देखो तो इसके नीचे ओरिजिन आ रहा है, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब नीचे वाला रीजन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस लाइन को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा होता तो ओरिजिन इस लाइन के नीचे है, तो नीचे वाला सारा रीजन सॉल्यूशन होता। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब नीचे वाला रीजन सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाला सॉल्यूशन है। तो इस लाइन के ऊपर जो भी रीजन है वो इसका सॉल्यूशन है। अब अगर तीसरी की बात करूं, इसके अंदर मैं ओरिजिन पुट करूंगा, अगेन ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं लाइन देखो, ये है, इस लाइन के नीचे ओरिजिन आ रहा है, इसका मतलब अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन के नीचे वाला रीजन जो है वो शेड होगा, क्योंकि लाइन के नीचे ही ओरिजिन आ रहा है। तो मैं इसको इस तरह बना लेता हूं। अब आपने देखना कि यार इनका कॉमन रीजन कौन सा, और मैं खाना डायग्राम से देख के आपको क्लियर है कॉमन रीजन क्या आ रहा है। ये कॉमन रीजन है, जिसके कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है, और ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो दरमियान का रीजन है ना पूरा, ये जो पूरा रीजन है, अगर आप देखो इस रीजन में तीनों कॉमन है, तीनों के सॉल्यूशन जो है वो इस रीजन से पास कर रहे हैं, इसका मतलब जो कॉमन वाला रीजन, जैसे ये नीचे वाला रीजन जो है, अब इसको ये वाली और ये वाली सेटिस्फाई नहीं कर रही, नीचे वाले रीजन को बस ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह ये जो ऊपर ऊपर ड्रॉ की हुई है, अब इसको जो है वो ये वाली सेटिस्फाई कर रही है, और ये वाली भी सेटिस्फाई नहीं, ऊपर वाले रीजन को ये वाली सेटिस्फाई कर रही है, और आप कह सकते हो कि ये वाली सेटिस्फाई कर रही है, ये भी इतनी अच्छी नहीं कर रही, लेकिन दूसरी वाली तो नीचे है, इसका मतलब तीसरी वाली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर आप स्ट्रेट अवे देखो तो तीसरी वाली तो है ही नीचे, और बाकी दो जो है वो ऊपर ऊपर है, तो आप कह सकते हो कि यार ये कॉमन रीजन नहीं है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, दरमियान का रीजन है वो आपको कॉमन मिलेगा। तो दैट्स इट, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब इस रीजन के अंदर जितने भी ऑर्डर, अच्छा ये रफ डायग्राम है, आपको नहीं पता इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं। अगर आपको एक्चुअल निकालना होगा तो आपको इनको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसी तरह आपको नहीं पता कि ये पॉइंट क्या है, क्योंकि रफ सी डायग्राम बनाइए आप एस्टिमेट नहीं कर पाओगे। लेकिन
अगर आपने आइडिया लगाना है थोड़ा कि जो मैंने निकाला है वो सही है या नहीं है, तो रफ आप कोई भी ऑर्डर पे ले लो जो दिखने में आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये इसके अंदर अंदर ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था 2 और ये था 4, तो 2 और 4 के दरमियान 3 है, मुझे दिखने में लग रहा है 3 तो लाजमी सॉल्यूशन के अंदर आ रहा होगा। तो एक्स वैल्यू 3 और वाई वैल्यू क्या लेते हैं, अब ये 2 था ये 4 था, 3 के दरमियान में आ रही होगी, तो हम एक पॉइंट लेते हैं 3.3 जो कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक यहां पे लाई कर रहा है, अंदर इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है। तो देख लेते हैं 3.3 तीनों को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये कॉमन सॉल्यूशन है तीनों का। तो आप पुट करो, यहां पे 3 पुट करो, यहां पे 3 पुट करो, ये 6 हो जाएगा। 3-6 क्या होता है, -3 इज डेफिनेटली लेस देन 6, ये सेटिस्फाई होगी। फिर आप इसके अंदर 3 पुट करो, 6 हो जाएगा, 6+9 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2, ये भी सेटिस्फाई होगी। फिर आप यहां पे पुट करो 3, यहां पे पुट करो, ये 9 हो जाएगा, 9 इज डेफिनेटली लेस देन 10। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको मजीद चाहिए तो आप 3.2 ले लो, वो भी यहाँ पे होगा, मतलब x वैल्यू 3 y वैल्यू तकरीबन 2 आ रही है उसकी, वो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये वो रीजन है जो तीनों को, जिस जो भी ऑर्डर पीरियड इसके अंदर आ रहे हैं वो तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक और बस आखिरी कॉन्सेप्ट है, ये तो हो गया पूरा, एक और बस रिस्ट्रिक्शन आ सकती है यहाँ पे, ये जो टॉपिक है ना लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आ सकता है, ये उसके अंदर आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हो। वहां पे ये होता है कि जब आप सॉल्यूशन रीजन निकाल रहे होते हैं ना, फिजिबल सॉल्यूशन, किसी वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होते हो जिसमें कोई कंस्ट्रेंट गिवन है आपको, तो आप उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो रियल चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप रियल चीजों में नेगेटिव नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स जो है वो, अगर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ किलोज ऑफ आटा, जो गंदम है आटा है, और नंबर ऑफ किलोज जो है ना वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ किलोज ऑफ आटा नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, कि -10 किलो -20 किलो ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। तो वहां पे कॉन्स्टेंट जब लगते हैं ना तो उसमें ये होता है कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो वहां पे फिर क्या होता है, कभी इस इनइक्वालिटी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है ना, इसमें कुछ दो रिस्ट्रिक्शन और लगा देते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। तो कहने का मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाहिद ऐसा है कि जिसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ में कभी एक्स पॉजिटिव कभी वाई पॉजिटिव, ये खेल चल रहा होता है पूरा। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाए इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, जो जो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर है उसको हटा दोगे, मतलब ये जो रीजन है एक्स एक्सिस के नीचे जो भी रीजन है इसको हटा दो, ठीक है। इसी तरह यहां जो है इसको आप हटा दोगे, ठीक है। तो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन आपके सामने मैंने बनाया है ना, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये वो रीजन है जो इनको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इनको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये कॉमन रीजन होगा इनका। तो बच्चों इस लेक्चर में मैंने डिटेल में पढ़ लिया कि यार लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे ग्राफ करना है, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को भी देख लिया, फिर बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने देख लिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम क्वाड्रेटिक को भी देख लेंगे ग्राफ कैसे करना है, फिर मैं कुछ रैशनल या एब्सोल्यूट की भी आप लोगों को एग्जांपल दे दूंगा उसमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।